वो मैदान में नजर आते हैं, ये कहीं ना कहीं संकेत भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लौटूंगी, बने रहिएगा। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उसका सबसे पहले रुख कर लेते हैं मध्य प्रदेश से। एक और बड़ी खबर, हुजूर विधानसभा सीट से रामेश्वर शर्मा ने जीत दर्ज की है। वही हुजूर सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। रामेश्वर शर्मा ने एक बार फिर से 2018 में भी जीते थे, एक बार फिर से जीत दर्ज की है। हुजूर विधानसभा सीट की मैं बात कर रही हूँ। रामेश्वर शर्मा यहाँ पर आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हुजूर विधानसभा सीट की यहाँ पर चर्चा करते हुए हम नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। एक और बड़ी खबर, गोविंदपुरा की बात करें तो बीजेपी के कृष्णा गौर की भारी मतों से जीत। देखिए, गोविंदपुरा भी वही सीट जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, दक्षिण पश्चिम से बीजेपी के भगवान दास सबनानी जीते। पहली बार मैदान में वो और जीतते नजर आए। चलिए, हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। गौरव, देखिए, भोपाल की तमाम 7 विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करती हूँ, हुजूर हो गई, गोविंदपुरा हो गई, ये सीटें तो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन सबनानी की अगर मैं बात करूँ तो ये गौरव दोबारा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। गौरव, यहाँ पर जानकारी मुझे जरा दीजिएगा, 7 विधानसभा सीटें भोपाल में, अगर मैं हुजूर की बात करूँ, गोविंदपुरा की बात करूँ, तो ये वो सीटें हैं जो बीजेपी का गढ़ है। लेकिन सपनानी की बात करूँ, पहली बार मैदान में और इतने मतों के साथ जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे, हैरानी की बात है। देखिए, भोपाल में अगर देखे तो भोपाल में तो जीत लगातार, वहाँ पे गोविंदपुरा हुजूर देखे तो वो बीजेपी क्या गढ़ रही है। लेकिन अगर हम इंदौर की बात करें इस वक्त, क्योंकि मैं इंदौर में मौजूद हूं और इंदौर में जो इस वक्त स्थिति है वो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि 9 विधानसभा सीटों पर यहां पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या दूसरे बड़े चेहरों की, बड़े उनके नतीजे आ चुके हैं। महेंद्र हाइडिया 11,000 वोटों से जीत चुके हैं, 58,000 से कैलाश विजयवर्गीय जीत चुके हैं। और जश्न का माहौल इस वक्त इंदौर में देखने को मिल रहा है, सड़कों पर जश्न का माहौल है। और यहाँ पे जो जश्न का माहौल है वो मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, लोगों से बातचीत करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है जो इस जश्न में डूबी हुई है और वो भी सेलिब्रेट कर रही है, उससे बातचीत करेंगे। बेटा, आज किस लिए आप खुश हो, किस सेलिब्रेशन के लिए आप निकले हो आज? बीजेपी की खुशी के लिए मैं बहुत खुश हूँ, ये आपकी जीत, मेरी जीत, सबकी जीत है। लेकिन अभी तो ये सिर्फ झांकी है, 2024 अभी बाकी है। बोलो हर हर मोदी, घर घर मोदी। ऐसा क्यों बेटा? अच्छा ये बताओ, आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसा क्या किया कि आपको उन्हें वोट देना चाहिए, या आप बीजेपी को इतना पसंद करते हो, आप उनकी जीत में शामिल हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, राम को लाएंगे हम उनको लेके आएंगे, बच्चों में भी। क्योंकि देखिए, ये इंदौर है, इंदौर में 9 विधानसभा सीटें आती हैं और 9 की 9 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह और कितना बीजेपी को लेकर इस जिले में माहौल होगा। लोग हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी का झंडा उनके हाथ में है, ये कार्यकर्ता भी है तो इनमें कुछ आम लोग भी हैं जो बीजेपी की जीत को अपनी जीत बनाकर जश्न के माहौल में डूबे हुए। क्यों बीजेपी, क्यों मोदी, क्या किया है मोदी और क्या किया है बीजेपी ने, क्यों जीती है और क्यों आपने समर्थन दिया है? आपको कांग्रेस से करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने सिर्फ कोरी हवा फैलाई थी। इस बार पहले दिन से ही बीजेपी का हर कार्यकर्ता और प्रत्याशी आश्वस्त था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अनुमान से तो और 10 सीट कम आई, 175 जीतना था। ये देखो, एक महीने पहले मैंने टी शर्ट मंगा ली थी, टी शर्ट बड़ी रोमांचक है। देखिए, चाचा विधायक है, कौन है आपके चाचा, कौन है आपके चाचा? कैलाश विजयवर्गीय भी मेरे चाचा है, गोलू शुक्ला भी मेरे चाचा है, तुलसी सिलावट भी मेरे चाचा है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मेरे चाचा है। मामा, चलिए ठीक है। आज आप बताइए क्या आज बीजेपी जीती है, कितने उत्साहित और किस तरीके का आज सेलिब्रेशन इंदौर में बीजेपी की जीत को लेकर? मोदी मैजिक चला है, शिवराज जी का मैजिक चला है, कैलाश जी का मैजिक चला है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, सभी विजय हुए, पूरा यहाँ पे क्लीन स्वीप है, 9-0 की जीत हुई है, और बहुत भारतीय जनता पार्टी के सारी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। तो ये कार्यकर्ताओं का उत्साह और लोगों का उत्साह, लेकिन मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। ये तस्वीरें आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि जहां तक आपकी नजर जा सकती है वहां तक कार्यकर्ताओं की भीड़ है। ये बीजेपी कार्यालय और उस कार्यालय के सामने की सड़क है जहाँ पे लाइन से डीजे और लाइन से कार्यकर्ताओं की भीड़ है, भगमा हुआ इस समय ये पूरा क्षेत्र हो रखा है। और साथ ही साथ बीजेपी के झंडे जहाँ तक नजर जा सकती है वहां तक बीजेपी के झंडे इस क्षेत्र में लहराते हुए नजर आ रहे हैं।
क्योंकि बीजेपी ने 9 विधानसभा सीटों पर यहाँ जीत की है। बड़े बड़े जो नेता, दिग्गज जो नेता है वो हारे हैं, और इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो जीतू पटवारी का है। जीतू पटवारी जो गद्दावर नेता कांग्रेस से कहे जाते हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, कई कांग्रेस के दिग्गज नेता है, उनमें जीतू पटवारी जिन्हें हराया गया है मधु वर्मा ने। और ये देख सकते हैं कोई कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की विधानसभा एक से चुनाव लड़ रहे थे, हॉट सीट थी, पूरे देश की नजर इस सीट पर थी और उत्साह। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी जीते हैं। कैलाश विजयवर्गीय से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? अब वो विधायक बनकर आए हैं लंबे समय बाद, अभी तक वो केंद्र की राजनीति में थे, अब आए हैं इंदौर में, क्या लगता है कितना बेहतर कर पाएंगे? जिस तरह उन्होंने महापौर के दौरान इंदौर का नक्शा बदला और देश को, मतलब इंदौर को नंबर वन लाया, और उसके बाद अभी जिस तरह वो कॉलोनी में जगह जगह बोल के अपना वो बता के आए कि हमें यहाँ पर ये करना है, ये मतलब रोडों को चौड़ीकरण करना है और जो अवैध कॉलोनियां है उसको वैध करने के लिए जो काम करेंगे उसके लिए जनता उनके और भविष्य की मंगल कामनाएं करेंगी। और जिस तरह वो विजयी घोषित हो चुके हैं और अभी 1,00,000 वोटों से शायद आगे चल रहे हैं। अच्छा, इंदौर की क्या मांग है? कैलाश विजयवर्गीय को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है, आपके जिले के बड़े चेहरे। कैलाश विजयवर्गीय एक राष्ट्रीय नेता है और राष्ट्रीय नेता होते होते उनकी वाइफ, उनकी बेटी, उनके जो बेटे हैं, उनकी जो बहू है, वो हमारे घर पे आके हाथ जोड़ के वोट मांगने में, एक नंबर का खुद हूँ और एक नंबर में बिना सोचे समझे कैलाश जी को वोट दिया। और कैलाश जी ने इतना पूरा इंदौर को इतना डेवलपमेंट किया, आज तक किसी नेता ने इतना इंदौर में डेवलपमेंट नहीं किया। आज से 20 से 25 साल बाद आप पहले देखो इंदौर कैसा था और अब कैसा इंदौर। आज आप पूरे इंदौर में एक से एक पूरे मेट्रो से लेकर आप सुपर विकास ने बीजेपी को जिताया, बिल्कुल विकास ने जिताया। लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसमें देखो आप 1250 रुपए और डेली, मतलब हर महीने के 1250 रुपए आपको कोई दे रहा है। आपके मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, विकास ने जिताया इस बार भी। आप देखो इतना विकास हुआ है इंदौर में, 27 ब्रिज बनाए गए मधु वर्मा जी ने बिना किसी पद पे रहे, वो आज के टाइम पे मंत्री लेवल के इंसान है, आप देख सकते हो। कांग्रेस जिताया है, कुछ बीजेपी कार्यकर्ता बढ़िया बीजेपी की खुशी में शरीक होते हुए बीजेपी का गमछा लहराते हुए, क्या लगता है क्यों जीती है बीजेपी? हमारे हिंदू राष्ट्र और अपने सनातन धर्म के कारण बीजेपी जीती है। विकास का मुद्दा बहुत शानदार, विकास तो है ही, विकास तो करना ही और करा है और करेंगे, बस यही मुद्दा है। हाँ, सनातन का धर्म तमाम मुद्दे, लेकिन मैं आपको फिर भी इंदौर की सड़कों के उस तस्वीरों के करीब ले जाना चाहूंगा जहाँ इस वक्त ये जश्न मनाया जा रहा है जहाँ इस वक्त ये जश्न मनाया जा रहा है। और इस जश्न में बिल्कुल बातचीत जारी रखेगा, देखिए जश्न का माहौल है, उत्साह की कोई कमी नहीं।